तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और मीटिंग के अंदर भारत ने चीन का समर्थन करने से इनकार कर दिया। और जब सभी देश यहां तक कि रूस भी चीन के समर्थन में उतर गया तो भारत ने अकेले ही चीन का विरोध किया है। दरअसल आप सभी को पता है कि कल एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत हुआ और इस मीटिंग के अंतर्गत एससीओ के जो भी उद्देश्य भारत की अध्यक्षता के तहत पूरे होने थे उसको लेकर एससीओ के सारे देशों ने हामी जताई और भारत ने भी इन संकल्पों को पूरा करने के लिए एससीओ का समर्थन करने का आह्वान किया। परंतु जैसे इस मीटिंग का समापन होना था तो चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट के ऊपर बात आकर छिड़ गई, जिसको लेकर एससीओ के सातों मेंबर तो चीन का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए परंतु भारत ने चीन का समर्थन करने से इनकार कर दिया। और इसके ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें जानकारी दी गई है कि रूस समेत एससीओ के सात मेंबरों ने तो चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का समर्थन किया परंतु भारत ही एससीओ का एकमात्र ऐसा देश था जिसने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के ऊपर अपना समर्थन नहीं दिया और चीन का विरोध किया। और आप सभी को भी पता है कि चीन की बीआरआई परियोजना केवल चीन को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जिसमें चीन अपने माल को दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहता है और इसके लिए दुनिया के कई सारे देशों के अंतर्गत चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता है। हालांकि आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और एससीओ की मीटिंग के अंदर भारत ने चीन की बीआरआई परियोजना पर समर्थन ना करके क्या सही कदम उठाया, कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।